हाय, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे और भी वीडियो लाने की इच्छा होती है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। कमेंट में भी 1 रुपया नहीं लगते हैं। तो मेरा वीडियो में आपको जो भी कमी लग रहा है या फिर आपको जो चाहते हैं कि मैं उसे कुछ सुधारूं, तो वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज मैं जो फेस पैक की बात कर रही हूँ वो है मसूर की दाल का फेस पैक। मसूर की दाल क्या हमारे स्किन को, ये मसूर की दाल ये होता है, इसे मसूर की दाल बोलते हैं। ये मोस्टली हमारे किचन में रहता ही है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, ये हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है। जो हमारे स्किन में जो पिंपल्स के पुराने से पुराने जो मुकिल मुहासे के दाग होते हैं उसे ये ठीक करता है। बहुत, मतलब अगर आपका कितना भी पुराना कील मुहासे का दाग है, आप अभी लगाएं और अभी मैजिक हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका बहुत हद तक, अगर आप रेगुलर इसे आप यूज करते हो तो बहुत हद तक आपका वो दाग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे स्किन को टाइप, जिनकी ऑयली स्किन है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, जिनकी ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो उनके लिए भी अच्छा है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी अच्छा है। ऑल इन वन सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं इसका पाउडर बना करके रखती हूँ। आप चाहो तो आप रात में इसे, जिनकी ड्राई स्किन है वो क्या करो, रात में आपकी जरूरत के हिसाब से आप अगर चाहो तो 1 स्पून या फिर 2 स्पून या 3 स्पून, जितना आपको जरूरत है उसके हिसाब से मसूर की दाल को, अगर जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, पहले रात में रॉ मिल्क जो कच्चा दूध होता है अपना, उसमें मसूर की दाल को फूलने के लिए डाल दो। फिर मॉर्निंग में आप क्या करो, मिक्स किया आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें ग्राइंड कर लो। और उसके बाद जो मैं उसमें आप रोज वाटर और ये सब मिला करके आप लगा सकते हो, वो आप वैसे पीस सकते हो उसे। जिनकी ऑयली स्किन है आप रात में इसे पानी के साथ, मीन्स पानी में इसे फूलने के लिए डाल दो। नेक्स्ट डे आप इसे मिक्सी में पीस लो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं इसे रेगुलर यूज करती हूँ इसलिए मैं, और मुझसे संभव भी नहीं है कि वो, और 2 और 3 स्पून मिक्सी में उतने अच्छे से ग्राइंड भी नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक बार 1 केजी या 1/2 केजी के करीब में मसूर की दाल मार्केट से लेके आती हूँ। फिर उसे अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद उसे सुखाती हूँ। जब वो सूख जाता है तो फिर मैं उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ, जिसका एकदम से बारीक जो है ये पाउडर बन जाता है। और फिर मैं इसे स्टोर कर देती हूँ। फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ती है 1 स्पून या 2 स्पून उसके हिसाब से मैं लेकर के और फेस पैक बनाती हूँ। तो ये मुझे ज्यादा इजी लगता है और आपकी अगर इच्छा हो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ये हमारे स्किन के लिए रामबाण इलाज है। जो पिंपल्स के दाग वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ खाने में ही नहीं, लगाने में, हमारे फेस पे भी, जो शरीर में, वो जो हम लोग दाल बना के खाते हैं उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। और ऐसे फेस पैक में भी ये बहुत अच्छा है। ये सब स्किन टाइप के लिए है। तो इसको बनाते कैसे हैं मैं अभी आपको वो बताती हूँ, इसमें बनाने में क्या क्या लगता है वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मसूर की दाल लेना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट लेना है आपको, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए, वो दोनों भी ये यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है फिर भी मैं मसूर की दाल में कर्ड ही यूज करती हूँ। मुझे ये कर्ड ज्यादा बेटर लगता है। जो दही है, योगर्ट जिसे कहते हैं, दही जो है इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है। ये हमारे स्किन को बहुत फेयर लुक देता है, फ्रेश लुक देता है। अगर आप किसी पार्टी में जाने वाले हो, हल्का सा वो दही को अगर आप सिर्फ अपने फेस पे हल्का मसाज कर लेते हो, 5 मिनट्स का वॉश करते हो, तो आपकी स्किन को थोड़ा सा अच्छा, आपको अच्छा आपके स्किन को में फील होता है। तो मैं कर्ड यूज करती हूँ। तो सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो कर्ड है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो टर्मरिक है, कस्तूरी हल्दी है, किचन हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है। मैं लूमैम वेब्स का यूज करती हूँ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से इसकी शॉपिंग कर सकते हो। कस्तूरी हल्दी क्या होता है, हमारे स्किन को, जो आप लोग किचन हल्दी यूज करते हैं वो हमारे स्किन में थोड़ा ज्यादा ही वो पीलापन छोड़ देता है, लेकिन कस्तूरी हल्दी ऐसा नहीं करता है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है।
मीन्स हमारे स्किन टोन को फेयर करता है, लाइट एंड ब्राइटन, ये सब काम इसका भी है और ये एक्ने पिंपल्स को रोकने में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है वो है डाबर हनी। ये आपके मर्जी के ऊपर है, मैं हनी यूज डाबर का करती हूँ, आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर है कि आप पतंजलि का यूज करो या बैद्यनाथ का यूज करो, जो आपके पास है आप वो यूज करो। मेरे पास डाबर हनी है इसलिए मैं ये दिखला रही हूँ। ये फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है हनी। ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हनी इसमें डालो। जिन्हें सूट नहीं करता है हनी, आप वो बिंदास इसे आप हटा सकते हैं, आपको इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो है वो मेरा फेवरेट है, मैं इसके बगैर कोई फेस पैक नहीं बनाती, वो है मेरा डाबर रोज वाटर। अब मेरे पास डाबर है, आपके पास जो भी ब्रांड का है आप उस ब्रांड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में इसके अलावा कोई और ब्रांड नहीं आता है, तो मैं यही यूज करती हूँ। रोज वाटर हमारे स्किन को मेक टोनर का काम करता है, हमारे स्किन में फ्रेशनेस फील कराता है, तो ये इसके बहुत फायदे हैं। तो आपको बनाना कैसे है अब वो बताती हूँ। आपको 1 स्पून या 2 स्पून आपके आपके हिसाब से, आपको जितना लगता है उतना आप दही ले लो। अगर दही नहीं तो आप दूध में बनाना है तो आप दूध, दही के जगह पे दूध ले लो, कच्चा, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए। तो मैं अभी आपको दही में बना के बताती हूँ। ये दही ले लो, उसके बाद आपको इसमें 1 to 2 स्पून आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मैं इसमें अभी 1 स्पून डाल रही हूँ। 1 स्पून मसूर की दाल आपको डालना है। उसके बाद एकदम जो हल्दी है, टर्मरिक पाउडर है, जो कस्तूरी हल्दी मैं बोली हूँ आपको, ये एकदम थोड़ा सा लेना है। अगर आप ज्यादा लेते हो ना, एक चुटकी लेना है, तो कोई फायदा नहीं, आपका वेस्ट ही होता है। ये हल्दी इतना से ही अपना कमाल दिखाती है, तो बस इतना सा, एक चुटकी के करीब में आपको हल्दी लेना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है और मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत है, तो ये हनी जो है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हनी भी मिक्स करूंगी। ये फुल्ली आपके ऑप्शनल है, ये फुल्ली आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा हनी भी डालूंगी और फिर मैं इसमें रोज वाटर डालूंगी जो मेरा फेवरेट है। अब मैं रोज वाटर भी डालूंगी, एटलीस्ट आपके ऊपर है 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या 1 स्पून 2 स्पून। अगर आपके पास, मान लो जिस दिन आपको ये फेस पैक लगाने की इच्छा हुई लेकिन आपके पास कर्ड नहीं है, या रॉ मिल्क आप डालना भूल गए हो, कच्चा दूध निकालना भूल गए हो, तो आप रोज वाटर के साथ यानी कि गुलाब जल के साथ भी इसे बना के लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको दूध के साथ ही या दही के साथ ही कमाल दिखाएगा, ये रोज वाटर गुलाब जल के साथ भी ये उतना ही अच्छा कमाल दिखाता है। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, मींस आप पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फेस पे ही लगाना है, आप पूरे बॉडी में, मींस जो आपका जो प्राइवेट पार्ट है, अगर वो एरिया आपका थोड़ा सा ब्लैक है तो आप उस एरिया पे भी आप लगा सकते हो, अंडर आर्म्स में आप लगा सकते हो, पूरे बॉडी में। जिनका नी का एरिया बहुत लोगों का होता है ना, जो अपना नी और एल्बो जो होता है ये ब्लैक हो जाता है, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको सूखने में एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं ज्यादा सूखने नहीं देती हूँ, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो आराम से इसको ड्राई होने तक रख सकते हैं। तो बस इसे ऐसे लगा बना लेना है पेस्ट अच्छे से। आप चाहो तो इसे फिंगर की मदद से और आप चाहो तो इसे ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, आप चाहो तो इसे हाथ से भी लगा सकते हो, या फिर ब्रश से, फेस पैक जो ब्रश का होता है उसे लगा सकते हो। तो मैं अभी आपको जो अपना फेस पैक जो लगाते हैं वो ब्रश से लगाऊंगी। लगाने के पहले, सबसे पहले कोई भी फेस पैक लगाने के पहले आपको अपने स्किन को क्लीन करना होगा। अगर आपके पास क्लींजर है तो आप क्लींजर से क्लीन करो, या फिर नॉर्मल फेस वॉश करके आ जाओ तो आप उससे भी, बिना उसके आप फेस पैक नहीं लगा सकते। तो मैं पहले हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो मेरे फेस पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है,
मैं अभी कुछ भी अपने स्किन पे लगा करके नहीं आई हूँ, बस मुझे वीडियो बनाना था। मैं बस फेस पैक लग चुका है। अब जब ये इसको सूखने में 15 मिनट्स लगेंगे, तो 15 मिनट्स के बाद ये कैसा दिखता है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा फेस सूख चुका है। मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है तो मुझे इससे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, तो मैं अभी अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर आकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैं जस्ट अभी फेस वॉश करके आई हूँ और आपको मेरे फेस पे फर्क दिखेगा। और मुझे मेरा फेस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लग रहा है। जैसे कोई फेस पैक लगाते हैं तो कैसे हमारी स्किन ऐसे खिंची खिंची सी दिखती है, लेकिन जब आप ये फेस पैक लगाते हैं और इसमें आप जब हनी डालते हैं, तो हनी क्या करता है, हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो जब भी आप कोई फेस पैक लगाते हैं, उसके बाद जब आप वॉश करते हैं, तो जो आपको जो खिंचापन होता है, वो आपको इस फेस पैक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हनी पूरी तरह से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और वो रूखापन हमारे स्किन में कहीं भी आने नहीं देता है। तो वॉश करने के बाद भी आपको लगेगा जैसे हम कोई क्रीम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉश करने के बाद आप अच्छे से अपने, जो मैं बोलती हूँ, अच्छे से अपने फेस को पोछे, ऐसे घिस के रब के नहीं पोछे, अच्छे से आप इसे पोछे। और पोछने के बाद जो भी आपके पास, जिस ब्रांड का भी आपके पास रोज वाटर हो, आप उस रोज वाटर को ले और अपने फेस पे स्प्रे करें। रोज वाटर जो है वो टोनर का काम करता है और ये मेरा फेवरेट है। मैं इसके बगैर मेरा कोई भी जो है फेस पैक जो है वो अधूरा रहता है। तो अपने क्रीम पे हल्का सा, फिर हल्का मसाज करें। ये फेस पैक से क्या होता है ना, ये फेस पैक से आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है सो मॉइस्चराइज हो गई है बहुत अच्छे से। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर में 1 रुपए भी नहीं लगता। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है, नो कोई कंजूसी मत करो इसमें। और जो भी मेरे रेमेडी है, जैसे मैं बताई हूँ आपको, सेम फॉलो कीजिए, सेम प्रोसेस कीजिए। जिन बहुत सारी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, इसे आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। जिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी नहीं, उन्हें मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर के बाद जो बच्चों के वो जो बाल हो जाते हैं, हाथों में बहुत सारा बाल रहता है बहुत सारे बच्चों को, तो आप उनको भी अच्छे से वो मसाज के तौर पे आप उन्हें अच्छे से लगा सकती हैं और उसके बाद उसे वॉश कर सकती हैं। वो आपके मर्जी के ऊपर है कि आप बच्चे को लगाना चाहती हैं या नहीं लगाना चाहती हैं, लेकिन ये लगाने के बाद आपको आपके स्किन में खिंचापन, ऐसा खिंचा हुआ स्किन आपको फील नहीं होगा। तो प्लीज इसको मैं जैसे बताई हूँ आप ऐसे ही बनाएं। एक दो रेमेडी जो एक एक दो इंग्रेडिएंट है जो आपको नहीं चाहिए, वो आप नहीं डाल सकती हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हनी है वो जरूर डालें। वो हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर का काम करती है और वो स्किन में हमारे बहुत अच्छे से आपको अच्छा सॉफ्ट फील कराएगी। आपके स्किन को जो वो ड्राइनेस के बाद वो जो रेडनेस हो जाता है, कोई कोई फेस पैक लगाते हैं, वो इसमें कुछ नहीं होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, थर्ड टाइम बोल रही हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।